Good morning students, myself Subhadra Sharma. Today I am going to explain you one story of unit 8 in standard 4th. Okay, so let's start. First of all, what is the name of this story? इस story का जो हम read कर रहे हैं उसका name क्या है? That thing we will see. So story of the name क्या है story का? Going to buy a book. Going, G-O-I-N-G. Going mean जा रहे हैं. To buy mean खरीदने. B-U-Y. Buy mean खरीदने के लिए. क्या खरीदने के लिए जा रहे हैं बेटा? A book. क्या खरीदने के लिए जा रहे हैं? A book. Okay. So let's start reading. One day, grandfather gave my brother and me some money. वन डे, एक बार की बात है. ग्रैंडफादर, जो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं ना, ग्रैंडफादर मीन दादाजी. तो एक दिन की बात है, मेरे दादाजी ने गेव मीन दिए थे. गेव इज पास्ट फॉर्म ऑफ गिव. गिव का पास्ट फॉर्म क्या होता है? गेव. गेव मीन दिए थे. किसको? माय ब्रदर एंड मी, मेरे भाई को और मुझे. क्या दिया था बेटा? सम मनी. क्या दिया था? सम मनी, कुछ रुपए दिए थे. एक दिन की बात है, दादाजी ने मेरे भाई को और मुझे कुछ रुपए दिए थे. गो एंड बाय बुक्स, ही सेड. ही सेड मीन, यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है? ग्रैंडफादर के लिए. किसके लिए बेटा? ग्रैंडफादर के लिए. तो ग्रैंडफादर ने बोला गो मीन जाओ और बाय करो बुक्स. बाय मीन परचेज करो बुक्स को. We were both very happy. हम दोनों बहुत ही happy हो गए. जब दादाजी ने हमको रुपए दिए और बोले कि जाओ तुम books purchase कर लो, तो हम दोनों क्या हो गए? Happy. Both mean दोनों. B-O-T-H. Both. Both mean दोनों. We both love to read. हम दोनों को read करना बहुत ही पसंद था. Should we go now? Should we go later? उसमें हम बोल रहे हैं should we go now? क्या हमें अभी जाना चाहिए? Now mean अभी. Should we go later? या फिर हमें बाद में जाना चाहिए? Now mean अभी, later mean बाद में. Should we go today? क्या हमें आज जाना चाहिए? Should we go tomorrow? या फिर हमें कल जाना चाहिए? जैसे आप लोगों को कुछ काम करने के लिए बोलती है मम्मा, तो आप क्या सोचते हो? अभी करूँ कि कल करूँ? एक घंटे के बाद करूँ कि शाम को करूँ? ऐसा आप सोचते हो ना, कन्फ्यूज रहते हो, अभी करूँ कि नहीं, या यू नो कल करता हूँ. फिर सोचते नहीं नहीं नहीं, एक घंटे के बाद करता हूँ. फिर बोलते नहीं नहीं, शाम को कर लूँगा. तो ऐसा होता है ना. तो सेम थिंग यहाँ पे भी उन बच्चों के साथ हो रहा था. जब उनके बच्चों को उन दादाजी ने रुपये दिए थे, तो पहले तो खुश हो गए कि चलो रुपये मिल गए, हम बुक्स परचेज करेंगे और रीड करेंगे. लेकिन बाद में उन्होंने क्या सोचा कि शुड वी गो नाउ, अभी हमको जाना चाहिए या बाद में जाना चाहिए? आज हमको जाना चाहिए या टुमोरो जाना चाहिए? We decided to go right now. We decided. हमको decide करना है to go right now. फिर उन्होंने decide किया कि अभी ही चलते हैं. Right now mean अभी ही हम चलते हैं. कि उन्होंने decide किया? Brother ने और me, यानी कि मैंने और मेरे brother, यहाँ पे जो author है ना वो. ठीक है, तो उन्होंने last में क्या decide किया बेटा? कि हम अभी ही चलते हैं. Okay? तो यहाँ पे आपको ये बुक शॉप दिखाई दे रही है. तो यहाँ पे ये दो बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं आपको. दिखाई दे रहे हैं ना, हियर ब्रदर एंड हियर मी. मी मीन लड़की. तो ये लड़की और ये उसका भाई कहाँ पे गए हैं बेटा? बुक शॉप पे गए हैं. क्यों? बुक शॉप में क्या करने जाते हैं बेटा? परचेज करने जाते हैं. क्या परचेज करने के लिए? बुक परचेज करने के लिए. तो ये दोनों बुक शॉप में क्यों गए बेटा? बुक परचेज करने के लिए, क्योंकि इनके ग्रैंडफादर ने इनको रुपए दिए थे कि गो देयर एंड परचेज बुक्स. ओके, Now we move to our next page. Okay. Now should we go to the big market? Should we go to the big market? यानी कि वो ऐसा पूछ रहा है कि क्या हमको big market जाना चाहिए या फिर should we go to the big market? Should we go to the big market? तो वो अब पहले तो उन्होंने ये बोला कि आज जाएं या कल जाएं, है ना. तो फिर अब वो दूसरे बार क्या उनको कन्फ्यूज हो रहा है कि क्या हमको बिग मार्केट जाना चाहिए या फिर should we go to small shop, या फिर हमको छोटी दुकान में जाना चाहिए. small mean छोटी and shop mean दुकान. Should we go with somebody?
शुड वी गो अलोन। अब वो बोल रहे हैं क्या हमको किसी के साथ में जाना चाहिए या फिर शुड वी गो अलोन, अलोन मीन या अकेले जाना चाहिए, alone, अलोन, या फिर हमको किसी के साथ में जाना चाहिए या फिर हमको अकेले जाना चाहिए, ऐसा वो सोच रहे थे। फिर लास्ट में उन्होंने क्या डिसाइड किया, लेट्स सी, वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप जस्ट द टू ऑफ अस। लास्ट में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम दोनों ही किसी स्मॉल शॉप में जाएंगे, ठीक है। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स। हमको स्मॉल बुक शॉप पसंद थी, क्यों, क्योंकि स्मॉल होती है साइड में, स्मॉल होती है किस में, साइज में, बट इट हैज़ मैनी बुक्स, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बुक्स होती है। द मैन इन द शॉप लाइक अस, ही ऑलवेज हेल्प अस। जो मैन होता है शॉप में वो हमको पसंद करता था, हम उसको पसंद करते थे, क्यों, क्योंकि ही ऑलवेज हेल्प अस, क्योंकि वो हमेशा हमारी हेल्प करता था। अब आप कुछ चीज़ परचेज करने जाते हो, जो शॉपकीपर होता है आपकी हेल्प करता है ना, ताकि आप वो बुक बाय कर सको या भी कोई भी चीज़ बाय कर सको, इसलिए जो बुक शॉपर था वो उन बच्चों की क्या करता था, हेल्प करता था, इसलिए वो बच्चों को वो आदमी पसंद था। शुड आई बाई ए बुक विथ ए लॉट ऑफ पिक्चर्स। अब उनको दूसरा कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ, क्या कि क्या मेरे को ऐसी बुक परचेज करनी चाहिए जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो। अब सेकेंड थिंग, वो दूसरी चीज़ और क्या है, शुड आई हैव ए बुक विथ ए लॉट ऑफ स्टोरीज, या फिर ऐसी बुक परचेज करनी चाहिए जिसमें बहुत सारी क्या हो, स्टोरीज हो। अब इनको दूसरा क्या, यू नो पहले तो वो सोच रहे थे आज जाएं कल जाएं, फिर बोले बिग मार्केट में जाएं या स्मॉल शॉप में जाएं, किसी को साथ लेके जाएं या अकेले जाएं। फिर उनको ये क्रिएट यू नो हुआ कन्फ्यूजन, तो उनका सोल्यूशन आया कि हम स्मॉल शॉप में जाएंगे और अकेले हम दोनों जने जाएंगे। फिर अभी वो सोच रहे हैं कि चलो अब बुक शॉप में पहुँच तो गए, अब वहाँ पे यू नो बुक कैसी लें, पिक्चर्स वाली हो बहुत सारी वो बुक लें या फिर जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हो वो वाली बुक लें, ऐसा उनको कन्फ्यूजन हो गया था, है ना। शुड आई बाय ए बुक लॉट ऑफ पिक्चर, अब वो बोल रहे हैं कि बहुत सारी पिक्चर्स वाली बुक लूँ या फिर बहुत सारी स्टोरीज वाली बुक लूँ। शुड आई बाय ए थिन बुक, आई कुड नॉट डिसाइड, या फिर मेरे को कोई पतली बुक लेनी चाहिए, थिन, thin, थिन, थिन मीन कोई पतली बुक लेनी चाहिए, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। ओके, वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, हमको नहीं पता चल रहा था कि हमको कौन सी बुक परचेज करनी है, बहुत सारी स्टोरीज वाली बुक परचेज करनी है या फिर जिस बुक में बहुत सारे पिक्चर्स हो वो बुक परचेज करनी है, मोटी बुक फेट बुक परचेज करनी है या फिर कोई थिन बुक परचेज करनी है, ये हमको कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। द मैन इन द शॉप स्माइल एट अस, जो मैन था उस शॉप के अंदर, जो शॉपकीपर था वो क्या था, एक मैन था, तो वो हम पे क्या कर रहा था, स्माइल कर रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि बच्चे क्या हो रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो वो हमको देख के क्या हो रहा था, स्माइल कर रहा था। रिलैक्स कम विथ मी ही सेड, तो उसने बोला रिलैक्स हो जाओ और मेरे साथ में आओ, किसने बोला बेटा, शॉपकीपर ने, किसने बोला, शॉपकीपर, जब शॉपकीपर ने देखा कि बच्चे क्या हो रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो उसने उनकी तरफ देख के स्माइल किया और बोला रिलैक्स हो जाओ और मेरे साथ में आओ। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, दोज आर अबाउट मशीन्स, उसने बताया कि ये बुक्स इसके बारे में हैं, एनिमल्स के बारे में, और वो दोज मीन वो जो हमसे दूर है, वो कौन सी बुक्स हैं, मशीन्स के बारे में, यानी कि आप भी जब यू नो लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपकी लाइब्रेरी की टीचर बताती है ना बेटा आपको कौन सी टाइप की बुक चाहिए, तो आप बोलते हो कि मैम हमको स्टोरी बुक चाहिए, तो मैम आपको स्टोरी बुक वाले यू नो अलमीरा के पास में लेके जाती है ना, सब अलग अलग कबाट में रखे होते हैं, यस नो, तो वैसे ही उन्होंने बोला कि यदि आपको एनिमल्स की बुक चाहिए तो दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, ये एनिमल्स की बुक है, और दोज आर अबाउट मशीन्स, वो मशीन्स के रिलेटेड बुक है। Those over there are about wars, और वो जो है वो लड़ाई, यानी कि हमारे जो है प्लासी का युद्ध हुआ, अभी तो आपको नहीं पता लेकिन जब आप बड़े होंगे तो हमारे बहुत सारे वॉर्स हुए थे, यस नो, प्लासी, बक्सर, ये सब ऐसा सब्जेक्ट में आपका आएगा, तो वो बता रहा था कि ये सब हमारे जितने भी वॉर्स हुए थे उनके रिलेटेड बुक्स है। टेक वॉट यू वॉन्ट, ले लो जो तुमको पसंद हो, तो उन्होंने क्या क्या बताया, ये एनिमल्स की बुक है, ये मशीन्स की बुक है, और ये जो हमारे यहाँ पे जितनी भी वॉर्स हुई थी उन सब के रिलेटेड बुक है, तो तुमको जो भी चाहिए वो तुम ले सकते हो। आई पिक्ड सम बुक्स, माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स,
आई, आई मीन मे, वो जो लड़की है ना उसके लिए यूज हुआ है आई। तो मैंने कुछ बुक्स ली और मेरे भाई ने कुछ बुक्स पिक्ड की यानी उठाई। आई सेट ऑन द फ्लोर, ही सेट ऑन द चेयर। मैं किसके ऊपर बैठ गई? फ्लोर के ऊपर। लड़की आपको दिखाई दे रही है ड्राइंग में, फ्लोर के ऊपर बैठी है। फ्लोर, एफ एल ओ ओ आर, फ्लोर। फ्लोर मीन जो फर्श होता है ना, आंगन होता है, उस पर बैठ गई। और लड़का जो किस पे बैठ गया? चेयर पे। दिखाई दे रहा है आपको ड्राइंग में? वेरी गुड। तो स्पेलिंग ऑफ चेयर, सी एच ए आई आर, चेयर, कुर्सी पे बैठ गया। लिसन, एस ए टी, सेट। सेट क्या होता है बेटा? पास्ट टेंस ऑफ सीट। सीट का पास्ट टेंस क्या होता है? सेट। तो वो बैठ गए थे। ओके, एंड वी रीड, एंड रीड, वी रीड। अब उसने बोला कि मैं तो फ्लोर के ऊपर बैठ गई, मेरा भाई चेयर के ऊपर बैठ गया, और उसके बाद में हम रीड करते गए और रीड करते गए। बैठ के उन्होंने बुक्स ले ली जो जो उनको पसंद थी और उनको रीड करना स्टार्ट कर दिया। ओके, इट वॉज वेरी क्वाइट, इट वॉज वेरी क्वाइट। वहाँ पे कैसा थे? बहुत ही शांति थी। यदि आप लाइब्रेरी में गए हो तो आपको पता होगा लाइब्रेरी में कितनी शांति होती है। तो वो वैसे ही वो बुक शॉप थी, तो वहाँ पे भी सब बुक परचेज करने के लिए और लेने के लिए आते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या थी? बहुत ही शांति थी। क्वाइट मीन शांति थी। देयर वॉज नो साउंड, वहाँ पे कोई भी प्रकार का साउंड नहीं था। वन आवर पास्ट, टू आवर पास्ट, एक घंटा बीत गया और टू आवर पास हो गए। फाइनली, फाइनली मीन लास्ट में, वी न्यू विच बुक्स टू बाय। फाइनली हमको पता चला कि कौन सी बुक्स हमको क्या करनी है? परचेज करनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल एट अस। जो मैन था उस बुक शॉप में, वो क्या कर रहा था हमको देख के? स्माइल कर रहा था। आई गोट ए फेट बुक विथ मैनी स्टोरीज। अब मेरे को क्या मिल गई थी? एक फेट बुक मिल गई थी। समझ में आया? फेट मीन मोटी बुक मिल गई थी, विथ मैनी स्टोरीज, जिसके अंदर बहुत सारी क्या थी? स्टोरीज थी। माई ब्रदर गोट ए बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स। और मेरा जो भाई है उसको क्या मिली? एक बिग बुक। बिग बुक मीन बड़ी बुक, जिसमें बहुत सारी क्या थी? पिक्चर्स थी। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर। हम रैन किए, रैन किए मीन दौड़े, कहाँ पे? होम में, टू अवर ग्रैंडफादर। अब उन्होंने जो बुक परचेज कर ली, अब बुक परचेज करने के बाद वो कहाँ लेके गए? अपने ग्रैंडफादर के पास में। तो घर की तरफ दौड़े और अपने ग्रैंडफादर के पास में गए। वी, अब हम लोग किसकी तरफ दौड़े? अपने दादाजी की तरफ दौड़े, क्योंकि हमने बुक परचेज कर ली थी। अब उनको दिखाने के लिए हम अपने घर में दादाजी की तरफ दौड़े। वी क्लाइम ऑन हिज बेड, हम चढ़ गए। क्लाइम मीन चढ़ गए। किस पे? ऑन हिज बेड, वो बेड पे लेटे हुए थे। आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि वो बेड पे लेटे हुए थे, तो हमने उनके बेड पे चढ़ गए। क्लाइम, क्लाइम मीन चढ़ गए। क्लाइम मीन चढ़ना। स्पेलिंग ऑफ क्लाइम, सी एल आई एम बी ई डी, क्लाइम मीन चढ़ना। तो क्लाइम इज पास्ट टेंस ऑफ क्लाइम। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन वी रीड एंड रीड एंड रीड। ही पुट, ही किसके लिए यूज हुआ बेटा? ग्रैंडफादर के लिए। तो उन्होंने पुट किए हिज आर्म्स, उन्होंने अपनी जो आर्म्स होती है, जो हमारे हाथ होते हैं, बाहें, उसको हमारे चारों तरफ ले लिया। आप ड्राइंग में देख सकते हो दादाजी उनको कैसे अपने यू नो आर्म्स में लेके बैठे हैं, दोनों साइड्स में, है ना। तो उन्होंने अपनी आर्म्स हमारे चारों तरफ की और फिर हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया? रीड करना स्टार्ट कर दिया। वी रीड एंड रीड एंड रीड, हम पढ़ते गए, पढ़ते गए और पढ़ते गए। यानी कि रीड कर करके आप स्टोरीज किसको सुना रहे थे? वो बच्चे अपने ग्रैंडफादर को सुना रहे थे। अंडरस्टूड? स्टोरी समझ में आई? इसमें क्या है बेटा, मैं एक बार इसको समरी फिर से समझा देती हूँ। इसमें एक ग्रैंडफादर होते हैं जो अपने बच्चों को कुछ रुपए देते हैं कि जाओ तुम बुक परचेज करो। तो बच्चों को रुपए मिलते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो बुक परचेज करनी है। अब वो उनको कन्फ्यूजन होता है कि यस आज जाएं कि कल जाएं, अभी जाएं कि थोड़ी देर बाद में जाएं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि चलो अभी ही चलते हैं। अब ये डिसाइड हो गया उनके बाद में, उनको ये दूसरा कन्फ्यूजन हुआ कि अरे अकेले जाएं या किसी को साथ में लेके जाएं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अकेले जाते हैं। फिर सेकेंड टाइम उनको नेक्स्ट कन्फ्यूजन क्या हुआ, बड़ी शॉप में जाएं या छोटी बुक शॉप पे जाएं। फिर उन्होंने इसका भी सॉल्यूशन निकाला कि चलो छोटी शॉप में जाते हैं, भले वो साइज में छोटी होती है बट उसके अंदर बहुत सारी बुक्स होती है। तो वो वहाँ गए और वहाँ जाके उन्होंने, वहाँ का जो शॉपकीपर था
उनकी हेल्प ली और उन्होंने उनको बताया कि इस साइड में एनिमल्स की बुक्स है, इस साइड में मशीन्स के रिलेटेड बुक है, तो वॉर के रिलेटेड बुक्स भी उन्होंने बताई। तो उनको जो पसंद आई वो उस लड़की ने तो फ्लोर पे बैठ के रीड करी और बच्चे ने कहाँ बैठा, वो चेयर के ऊपर बैठा। इस तरह उन्होंने देखा कि कौन सी बुक परचेज करनी है और लास्ट में उन्होंने एक बुक परचेज की और वो कहाँ लेकर दौड़े, अपने घर पे लेकर दौड़े और सीधा कहाँ गए, अपने ग्रैंडफादर के पास में गए। और ग्रैंडफादर कहाँ बैठे थे, आप पिक्चर में देख सकते हो कि ग्रैंडफादर पलंग के ऊपर लेटे हुए थे, तो वो भी सीधे जाप के पलंग पर चढ़ गए और दादाजी ने दोनों उनकी आम को उसके चारों तरफ रख के यानी कि अपने पास में बैठाया। तो उन बच्चों ने क्या किया, रीड कर करके अपने ग्रैंडफादर को सारी स्टोरीज सुनाई। ओके, सो दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ना, कैसी लगी बेटा आपको ये स्टोरी, अच्छी लगी ना, वेरी गुड। तो इससे आपको क्या सीखना मिलता है बेटा इस स्टोरी से, इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमको बहुत बुक्स रीड करनी चाहिए, यानी कि हमको रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए। रीडिंग की हैबिट होगी तो उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ओके, नाउ हियर सम न्यू वर्ड्स ऑल्सो, यहाँ पे कुछ नीचे न्यू वर्ड्स भी दिए गए हैं, तो लेट्स सी। नंबर वन इज अलोन, alone, अलोन मीन अकेले, अलोन मीन अकेले। सेकेंड बुक शॉप, बुक शॉप BOOK बुक एंड शॉप SHOP शॉप, बुक शॉप मीन बुक की दुकान। नेक्स्ट है मशीन्स, MACHINES मशीन्स, मशीन्स मीन जो मशीन होते हैं वो सब। फाइनली, फाइनली मीन लास्ट में, यानी हम नहीं बोलते फाइनली मैंने ये ले लिया, FINALLY फाइनली। एंड लास्ट वन इज क्लाइम्ब, CLIMBED क्लाइम्ब, क्लाइम्ब क्या होता है बेटा, पास्ट टेंस ऑफ क्लाइम्ब, क्लाइम्ब का पास्ट टेंस क्लाइम्ब। एंड स्पेलिंग ऑफ क्लाइम्ब CLIMBED क्लाइम्ब। ओके, सो दीज आर योर न्यू वर्ड्स, सो ऑल न्यू वर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, दिस इज योर होमवर्क। ओके, सो आपको स्टोरी कैसी लगी, गुड ना, वेरी गुड। सो यू, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो वेरी मच, थैंक यू।